हाँ स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो है, आज हम बैकग्राउंड जो है वो समझेंगे, सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड, अगस्टन एज और न्यू क्लासिकल एज, द एज ऑफ रीजन, द एज ऑफ गुड सेंस। इसके बड़े ढेर सारे नाम हैं, लेकिन नॉर्मली हम इसके अलावा न्यू अगस्टन एज भी समटाइम कहते हैं, स्यूडो क्लासिकल भी कहते हैं, न्यू क्लासिकल भी कहते हैं। तो ये सारे इसी एज के नाम हैं। तो आज इसके दो पार्ट, वैसे मेरे जहन में अगर दोनों कंप्लीट हो गए तो एज, तो एक तो हमने करना है कि ओवरऑल एक टोटल सोशल कल्चरल और वो क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, और कौन कौन से इसके बड़े बड़े आथर हैं और कौन सी इसकी बड़ी डिवीजन है, उनको हमने टोटल स्ट्रक्चर को भी समझना है इस एज के, सोशल कल्चरल और पोलिटिकल बैकग्राउंड को भी समझना है। और साथ हम अगर देखते हैं क्या हमें टाइम मिलता है तो इसका पार्ट टू भी हम साथ करेंगे। आई मीन सेकंड हिस्सा जो इसका होगा बैकग्राउंड का, वो पार्टिकुलर इसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसको आप फर्दर हमने स्टडी करना है, तो उसका बैकग्राउंड भी देख लेंगे साथ साथ, ओवरऑल बैकग्राउंड के साथ एक पार्टिकुलर बैकग्राउंड भी देखते हैं हम इसे करने में कामयाब होते हैं कि नहीं। तो अगस्टन एज जो है, किंग अगस्टस, तो जैसे कि आप जानते हैं कि कोई नहीं था ऐसा कोई इंग्लिश किंग, फिर इसका नाम अगस्टन एज कैसे हो सकता है, कोई गैस कर सकता है? यस सर, शानो गैस सर करेंगे? ऑगस्टन, जी सर, सर ऑगस्टन एज के अंदर बेसिकली जो ऑगस्टस टाइम पीरियड के जो मॉडल्स थे, जो राइटर्स लिख रहे थे, उनको फॉलो किया जा रहा अगस्टस था कौन था, हमारा ये सवाल है। सर। ऑगस्टस जो है, क्या ये कोई इंग्लिश किंग था? क्योंकि मोनार्क के नाम पे अक्सर एजेस है ना, एलिजाबेथन एज, और आगे हमने जैकोबियन पीरियड, कैरोलाइन पीरियड, चार्ल्स वन के सर ऊपर। ये मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, ये आतिका ने प्रेजेंटेशन दी थी तो उन्होंने उसमें बताया था। सर सर थोड़ा ही इज बहुत ऑक्टेवियस, ही इज नेफ्यू ऑफ जूलियस सीजर, ऑक्टेवियस जिसको कहा जाता है, उसी को yes. ऑगस्टस भी आपको कहा याद आ जाता है। गया, देखिए प्रेजेंटेशन वर्ड से नहीं आपने याद रखी हुई, ये ऑक्टेवियस जो था ना, सर मेरे मुझे याद था, मैं इस टाइम दे रही थी कि कोई और अगर बताना फर्स्ट चाह रहा है तो फिर उनको नहीं ना है इसकी। मिनिस्टर ऑफ एंशियंट रोम। बिल्कुल, ये एक रोमन पीरियड है। जब हमने रोमन एज पढ़ी थी तो हमने, याद होगा कि हमने पढ़ा था कि पहले वहां बादशाह होते थे और उसके बाद वो रिपब्लिक बन गई। रिपब्लिक बनने के बाद जो है वो अल्टीमेटली अम्पायर बनती है। रिपब्लिक का तो सेनेटर्स वगैरह रूल करते हैं, जनरल हुआ करते थे, और अम्पायर जो बनती है ना, उसमें अम्पायर बनने का जो टाइम है उसे जूलियस सीजर ड्रामे में कैच किया है शेक्सपियर ने। जब जूलियस सीजर, वो पहला एक फेमस जनरल, इसने बहुत ज्यादा एक्सपेंशन दी, अम्पायर बनाई, और वो सोच रहा था कि मैं एम्परर बन जाऊं, बादशाह से जरा ज्यादा ताकतवर जो होगा ओन कर लूं इसको। तो सेनेटर्स को लगा कि ये उनका हक मारा जाएगा और ये रिपब्लिक खत्म हो जाएगी, ये जनरल तो इसको कू कर लेगा, यानी उसका कू करने का परिणाम था, जैसे हमारे यहाँ जनरल कू करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं। तो उन्होंने, वो किसी हद तक एक डेमोक्रेसी थी, एक आर दो ट्रू डेमोक्रेसी तो नहीं थी, एरिस्टोक्रेसी थी आप कह सकते हैं, अमीर लोगों की हुकूमत थी, वो सारे मिलके करते थे, सेनेटर कहलाते थे। तो इस खौफ से कि जूलियस सीजर इसे एम्पायर ना बना दें, उन्होंने फैसला किया कि जूलियस सीजर को कत्ल कर देते हैं, और कत्ल भी अगर कोई एक करेगा तो वो तो उसको सजा मिलेगी। तो इस कत्ल करने का भी उन्होंने फैसला ये किया कि हम सारे मिलके मारेंगे उसको, तो सारे जब बारी बारी मारेंगे तो फिर किसी पे इल्जाम नहीं आएगा कि किसने मारा था उसको। तो इसलिए जूलियस सीजर जब आता है रोम में, शानदार इस्तकबाल होने के बाद, जैसे ही वो सेनेट हाउस में आता है जहाँ पे सेनेटर्स हैं, जहाँ उसको लगता है मेरा वेलकम किया जाएगा, शानदार मुझे ताज पहनाया जाएगा, तो इसकी बजाय वो सारे उस पर हमलावर हो जाते हैं और मारते हैं। इवन उसका जो क्लोजेस्ट फ्रेंड है, जो सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है जूलियस सीजर का, ब्रूटस उसका नाम है, और जब वो मारता है ना उसको, वेपन से वार करता है, तो उस पे वो फेमस लाइन है, यू टू ब्रूटस के, उस पे वो भी जाहिर है छोटे छोटे वार कर रहे थे, वो मरा नहीं था, तो ग्रेजुअली उसकी फिर डेथ हो जाती है। लेकिन अंपायर बनना रुकता नहीं है, अब
मुल्क के अंदर एक सिविल वार जनरेट होती है, और सिविल वार में दो बड़े ब्लॉक बन जाते हैं, एक एंटोनियो के पास चली जाती है आधी हुकूमत तकरीबन, और आधी जो है ऑक्टेवियस के पास चली जाती है। ये पहले सोचते हैं मिलके करेंगे, इसको रूल करेंगे, लेकिन एंटोनियो को भेजा जाता है कि वो इजिप्ट पे जाके जो है वो रूल करे, कॉन्कर करे उसको, लेकिन वो कॉन्कर करने के बजाय उनके साथ मिल जाता है, लास्ट फिरवा के साथ मिल जाता है। क्या नाम था लास्ट फिरवा का, अब तो आपको याद ही होगा तकरीबन। और ये एंटोनी और कैलोपेट्रा में हम देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। वैसे जनरली ये है कि फिर अल्टीमेटली हम देखते हैं ऑक्टेवियस जो सीजर है, ऑक्टेवियस सीजर अल्टीमेटली सक्सेसफुल होता है, और सीजर हर बंदे के साथ लगेगा आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि सारे जूलियस सीजर को कॉपी करते हैं ना, कि हम अब सीजर हैं, कि सीजर मरा नहीं है, हम सीजर हैं। तो सीजर जो है वो नाम से एक टाइटल बन जाता है, जैसे निकोलस जार आखिरी वो था जार, तो जार का एक टाइटल था, फिर उनों का टाइटल है, जैसे कि इस तरह जूलियस सीजर एक बुनियाद रखता है एक टाइटल की। पहले उसका पर्सनल नाम था, आने वाले किंग्स का नाम नहीं है वो, पर्सनल एम्पायर जो एम्परर्स हैं। तो अगस्टन अपना नाम वो इख्तियार करता है, अगस्टस मतलब अजीम बादशाह जो है, और उस एज में बड़े बड़े हमने पढ़े थे क्लासिकल ऑथर पैदा होते हैं, और अब इस एज का नाम भी अगस्टन एज है। और ये एग्जैक्टली क्यों है, अगस्टन नाम हमने ट्रेस कर लिया है कि उसकी तो ये वजह है, लेकिन एग्जैक्ट वजह हम नीचे अब डिस्कस करते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि ये एज काफी बड़ी एज है, ये 120 ईयर्स राउंड अबाउट है, काफी बड़ी एज, जिसके मुकाबले में आगे आप देखेंगे रोमांटिक एज, या पीछे ही देख लें आपने जो प्यूरिटन एज पढ़ी है वो भी इसके मुकाबले में छोटी, आगे आप देखेंगे कि रोमांटिक एज वो बिल्कुल ही कम है, और उसके राइटर्स हम देखेंगे बहुत जल्दी उनकी डेथ हो जाती है अर्ली, और उसका टाइम पीरियड बहुत छोटा है। तो ये क्लासिकल एज जो है ना, इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं क्रिटिक्स, तीन हिस्सों में हम इसको डिवाइड करेंगे, बुक्स में भी इसी तरह से है, तो हम इसको फॉलो करते हैं। एज ऑफ ड्राइडन में, जिसका दूसरा नाम रेस्टोरेशन पीरियड है, द एज ऑफ पोप एंड द एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, और डॉक्टर जॉनसन का एफ जो है साथ मिक्स हो गया, इसको अलग करते हैं। तो तीन बड़े ऑथर्स के नाम के ऊपर जो अपनी अपनी एज में डोमिनेंट थे। अभी हम एज ऑफ मिल्टन से निकल के आ रहे हैं, आपने देखा उससे पहले हम एज ऑफ शेक्सपियर में थे, तो लिटरेरी जॉइंट्स के नाम पे भी कुछ क्रिटिक्स ने बाद में एतराज किया था ना, कि मोनार्क्स के नाम पे क्यों हम एज को रखें, तो ये बाद में डिविजन होती रहती है क्रिटिक्स के यहाँ। तो उन्होंने बाद में सोचा कि जो लिटरेरी पर्सनैलिटीज हैं उनकी अपनी एक वेट और वैल्यू होती है, तो क्यों ना हम उनके नाम पे एज को चलाएं। सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में जाते हैं, राइटर्स ऑफ द हाई रैंक, पहला पॉइंट हमारे पास है राइटर्स ऑफ द हाई रैंक। इट इज कॉल्ड द क्लासिकल एज इन इंग्लिश लिटरेचर, क्लासिकल एज इन इंग्लिश लिटरेचर है याद रखनी, ओवरऑल क्लासिकल एज तो फिर वो रोम की अलग होगी, ग्रीक की अलग होगी, इस तरह इंग्लिश की अलग होगी, इस तरह हर कंट्री में फिर एक कोई क्लासिकल एज रही होगी, उस बात को भी हम समझते हैं। तो ज़ाहिर है हाई रैंक के राइटिंग अगर की जाए किसी एज में एक टाइम पे। इन द फर्स्ट प्लेस द टर्म क्लासिक रेफर्स टू द जनरल अप्लाइज टू राइटर्स ऑफ द हाईएस्ट रैंक इन एन नेशन, ठीक। दिस टर्म वॉज फर्स्ट अप्लाई टू द वर्क्स ऑफ द ग्रेट ग्रीक एंड रोमन राइटर्स लाइक होमर एंड वर्जिल, उनके टाइम्स को, क्योंकि वो ग्रेट पीरियड ऑफ लिटरेरी प्रोडक्शन था, और बीच में हम देखते हैं कि डार्क एजेस में कुछ नहीं प्रोड्यूस हुआ, और फिर आफ्टर द डार्क एज जब रिनेसां और रीबर्थ ऑफ होती है, जब दोबारा से वो लोग अपनी आँख खोलते हैं और दोबारा से इंटरप्रिटेशन अपने हाथ में लेते हैं, तो फिर एक नई लाइफ, एक नया पैटर्न स्टार्ट होता है। रिनेसां में भी काफ़ी राइटर थे, लेकिन ये तो कि काफ़ी 120 ईयर्स की है, और फिर इन क्लासिकल प्रिंसिपल्स को भी फॉलो कर रहे थे, यानी मैनी रीजंस हैं इनके क्लासिकल होने की। एज द राइटर्स ऑफ द 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड ट्राइड टू फॉलो द सिंपल एंड नोबल मेथड ऑफ द ग्रेट एंशिएंट राइटर, दे बिगन टू बी कॉल्ड क्लासिकल राइटर्स। एक उनकी वजह ये थी कि वो क्लासिकल राइटर्स को फॉलो कर रहे थे, एक वजह ये थी कि उस एज में बहुत सारा लिटरेचर भी प्रोड्यूस हुआ, इवन एक नया जॉनरा भी यहाँ पे आ जाता है, जैसे लास्ट एज में जॉनरा था ऐसे, तो इस एज में हमारे पास न्यू जॉनरा आता है, और वो है नॉवल, जो अभी सबसे डोमिनेंट जॉनरा है इस टाइम का।
तो बैकग्राउंड में हम अगला पॉइंट देखते हैं, अबंडेंस भी एक पॉइंट है जब ज्यादा लिखा जाए। इन द सेकंड प्लेस इन एवरी नेशनल लिटरेचर देयर इज अ पीरियड व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ द राइटर्स प्रोड्यूस वर्क्स ऑफ द ग्रेट मेरिट, सच ए पीरियड इज ऑफन कॉल्ड द क्लासिकल पीरियड ऑफ एज। किसी भी कंट्री में ऐसा कोई ना कोई फेज जरूर आती है जब वो बहुत ज्यादा रिच लिटरेचर और हाई मेरिट लिटरेचर प्रोड्यूस होता है और बहुत ज्यादा लोग लिखते हैं। For example, the reign of Augustus is called the classical age of the Rome, and the age of Dante is called the classical age of Italian literature. ठीक है, तो क्योंकि उस टाइम पे समझते हैं कि ये रिच पीरियड है और पुराने वक्तों में वो रिच पीरियड था। तो as during the 18th century in England there was an abundance of the literary production of the critics named it classical age in English literature, या न्यू क्लासिकल भी हम इसे इसी वजह से कह रहे हैं। और स्यूडो क्लासिकल इसलिए कह रहे हैं कि ये ओरिजिनल क्लासिक्स नहीं थे। खैर ये पॉइंट शायद आगे भी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ द क्लासिक्स ऑफ द ग्रीक थर्ड प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड द इंग्लिश राइटर रिबेल्ड अगेंस्ट द एग्जैजरेटेड एंड फैंटास्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग प्रेवलेंट ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एंड प्यूरिटन एज, जो बिल्कुल पीछे एज है, रिसेंटली हमने इनको स्टडी किया है और उसमें हमने खास बात पढ़ी थी फैंटास्टिक स्टाइल की, एग्जेजरेशन की। तो खास तौर पे व्यूफियस आपको याद होगा और इसी तरह जो है जाइगेंटिक किस्म का स्टाइल जो है वो अडॉप्ट किया था सारे राइटर्स ने, ऑलमोस्ट ओवरऑल एक टेम्पो हम देख सकते हैं। एंड दे डिमांडेड दैट द पोएट्री ड्रामा एंड द प्रोज शुड फॉलो एग्जैक्ट रूल्स एंड इंसिस्टेड ऑन द प्रीसाइज मेथड ऑफ राइटिंग पोएट्री एंड हु प्रोफेस्ड टू हैव डिस्कवर्ड देयर रूल्स इन द क्लासिक्स ऑफ हॉरेस एंड एरिस्टोटल। तो यहाँ पे इन्होंने फैसला ये किया, इस वजह से भी इनको हम क्लासिक कहते हैं, कि हॉरेस और अरिस्टोटल और एंशियंट ग्रीक ने जो प्रिंसिपल्स तय कर दिए थे, ठीक है, तो वो उसको फॉलो हमने करना है। तो उस वजह से भी इनका नाम भी हम कहते हैं कि ये क्लासिकल राइटर्स हैं। सो क्लासिकल राइटर होने की दो तीन मतलब बड़ी रीजन हमारे पास आ जाती है। वेस्टर्न एज के साथ ये सिमिलर करते हैं खुद को कि उन्हीं ग्रेट ऑथर्स के टाइम की तरह ये भी एक ऐसा टाइम है जब एक जॉइंट ऑथर्स मौजूद हैं, ज्यादा लोग लिखने वाले मौजूद हैं और हाई मेरिट का वर्क किया जा रहा है। और दूसरा कि उन्होंने कहा कि जो कि हम क्लासिकल प्रिंसिपल्स को भी फॉलो कर रहे हैं, इसलिए भी इनका नाम पड़ता है कि ये क्लासिकल राइटर्स। स्यूडो क्लासिसिज्म भी इनको कहते हैं सर। स्यूडो क्लासिक कुछ ऑथर इनको इस टाइम में कहेंगे के चले, पहले इसको देख लेते हैं लिखा क्या है। The 18th century is called the classical age because the writers followed the classicism of the ancient writers, which was taken in a narrow sense to imply fine polish and external elegance. But as the 18th century writers in England followed the ancient classical writers only in their external performance and lacked their sublimity and the grandeur, their classicism is called pseudo classicism, a false or sham classicism. फॉल्स इसलिए है कि कुछ क्रिटिक्स का एतराज है कि ये उतने बड़े आथर नहीं है जितने हॉरेस वर्चल या होमर या सोफोक्लीज और या एरिस्टोटल का जो टाइम था या रोम का जो टाइम है, उनके मेरिट पे इन्होंने नहीं लिखा और उनकी उनकी स्पिरिट भी इनमें उस लेवल की नजर नहीं आती। इसलिए चले वो कहते हैं हम इनको क्लासिज्म तो मानते हैं, ये क्लासिक्स है, लेकिन हम नाम देते हैं ये स्यूडो क्लासिक्स है, फॉल्स क्लासिक्स है, शैम क्लासिक्स है, एक अपेरेंटली क्लासिक्स है। आप इस तरह से कह रहे हैं, इसलिए कुछ ने फिर और न्यूट्रल टर्म दी कि नहीं ये क्लासिक्स नहीं है और शैम क्लासिक्स भी अगर नहीं है तो फिर ये न्यू क्लासिकल एज है, ठीक है। तो ओवरऑल ये सिर्फ हम इस डिबेट में थे कि ये डिफरेंट नाम इनके क्यों हैं और डिसएग्रीमेंट है जो कि जिन्होंने इनको नाम दिया है। ओवरऑल हम बहरहाल ये कह सकते हैं कि ये एज ऑफ रीजन है, एज ऑफ गुड सेंस से आगे हम चलते हैं। एज ऑफ रीजन एंड एज ऑफ द गुड सेंस का क्या ताल्लुक है इस सेंचुरी के साथ, 18th सेंचुरी के साथ या थोड़ा सा पहले 18th सेंचुरी से। द एज ऑफ रीजन एंड द एज ऑफ गुड सेंस द क्लासिकल एज ओवरऑल बिकॉज द पीपल थॉट दैट दे कुड स्टैंड ऑन देयर ओन लेग्स एंड बी गाइडेड इन द कंडक्ट ऑफ देयर अफेयर्स बाय द लाइट ऑफ देयर ओन रीजन अनक्लाउडेड बाय रिस्पेक्ट फॉर एंशियंट प्रेसिडेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ एनलाइटनमेंट भी कहते हैं इसे, जब ये समझते हैं कि हम रीजन को अब फॉलो करेंगे, अब पैशन और इमोशनल, इसलिए इमोशनल राइटिंग और पैशन राइटिंग दोबारा सर उठाएगी रोमांटिक एज के अंदर। इनका जो वॉच वर्ड था वो था रीजन, जबकि रोमांटिक्स आगे आके वो फिर नेचर की आवाज लगाएगा वर्ड्सवर्थ
और बैक टू नेचर का स्लोगन भी आएगा. सो द एनलाइटनमेंट द ग्रेट एज ऑफ द रीजन इज डिफाइंड एज द पीरियड ऑफ रिगरस साइंटिफिक पॉलिटिकल एंड फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स. इसमें जो कि साइंस डिवेलप हुई थी, आगे हम पढ़ते हैं कि रॉयल सोसाइटी का क्या हुआ और इसने पॉलिटिकल फिलॉसफी ने जन्म लिया और डिफरेंट फिलॉसफी ने सार उठाया और आगे डार्विन की थियरी भी आ जाएगी. तो इन सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज और थियरीज और साइंटिफिक थिंकिंग ने जो कि बहुत ज्यादा एडवांसमेंट लाई सोसाइटी के अंदर, तो इसलिए ओवरऑल एक एनवायरनमेंट भी जनरेट हुआ और इसे एज ऑफ रीजन कहा गया कि वॉचवर्ड उनका ज्यादा रीजन है. इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल पैशनरी चीजें फॉलो कोई भी नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं होता. ये इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड की हम बात कर रहे होते हैं, आम आदमी तो और तरह से जिंदगी गुजारता है. तो ये एक वजह थी कि इसे एज ऑफ रीजन और एज ऑफ सेंस और एज ऑफ गुड सेंस कहा गया कि अकल जो है वो जो कि दिमाग जो कहा गया कि दिल से ऊपर है, इसलिए दिमाग का कंट्रोल होना चाहिए और चीजों को हम ब्रेन से समझ सकते हैं. और अब वो कोई गाइड नहीं ले रहे थे डॉगमा से या किसी रिलीजियस फॉल्स बिलीव्स के पीछे नहीं भाग रहे थे. अब प्रीस्ट उन्हें इंटरप्रेट करके नहीं दे रहे थे, डार्क एजेस बहुत पीछे रह गए थे और उसके जो असरात चलते चलते प्यूरिटन एज तक आए थे, अब वो भी शैटर्ड हो रहे थे. और अब टोटली इंसान ने सोचा कि मैं अपनी अकल से काम लेकर अपनी लाइफ को बेहतर करूंगा. तो ये हमने ओवरऑल एक माहौल देखा कि क्या था और क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं. अब ये देखते हैं लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स क्या थे उस एज की. नाउ लेट अस कंसीडर द लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट एज. इन द प्रीवियस एज वी हैव डेल्ट विद इट. It were the poetical works which were given prominence. Now, for the first time in the history of the English literature, prose occupies the front position. ठीक है, अब आपको याद होगा अगर Renaissance period में जो सबसे dominant जो रहा था वो drama था. ठीक है, although drama जो है वो poetry में किया जा रहा था, लेकिन poetical drama, लेकिन drama की जो form है वो सबसे ज्यादा famous थी और Shakespeare ने ज्यादा मेहनत और ज्यादा काम drama ही किया, drama ही लिखा और सिर्फ उसी सूरत में उन्होंने poetry की जिन दिनों में थिएटर वगैरह बंद हुए किसी वजह से, प्लेग वगैरह आने की वजह से. इसका मतलब है चीफ ऑक्यूपेशन जो थी, डोमिनेट जॉनरा था उस एज का, वो ड्रामा था. और आगे हम देखते हैं कि प्यूरिटन एज के अंदर जो चीफ जॉनरा है वो, या आल्दो एक नया जॉनरा भी इन्वेंट भी होता है वहां पे, ऐसे ऑटोबायोग्राफीज और ऐसे भी इवन इन्वेंट होते हैं रेनेसां के अंदर, लेकिन उनका चीफ कंसर्न जो था वो पोएट्री था. इवन कि ड्रामा डिक्लाइन का शिकार हुआ और ड्रामा इवन खत्म हो गया. अब जो एज आ गई थी तो इसमें हम देखते हैं कि जो प्रोज जो है वो डोमिनेट करती है. एज इट वाज द एज ऑफ द सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस एंड द लिटरेरी कंट्रोवर्सीज इन विच द प्रोमिनेंट राइटर्स टुक एन एक्टिव पार्ट एंड लार्ज नंबर ऑफ द पैम्फलेट्स जर्नल्स एंड द मैगजीन्स वर ब्रॉट आउट इन द ऑर्डर टू कैटर द ग्रोइंग नीड of the masses who had begun to read. और यहाँ पे आपको याद होगा why they began to read, thanks to the printing press. और education system भी develop हो रहा था, नई universities भी बन रही थी और सबसे बड़ा credit आप यहाँ पे दे सकते हैं कि वो printing press थी जिसकी वजह से चीजें publish हो रही थी और एक एक बंदे के पास चीज पहुंच रही थी. And they take interest in these controversial matters, poetry was considered inadequate. अब ऐसी हालात में जब controversies हो, जब science सर उठा रही हो, जब debate discoveries हो रही है, तो जो है ना एक पॉइंट ऑफ व्यू सीधा सीधा पहुंचाने की कोशिश की जाती है, जबकि पोएट्री आपको पता है वो एम्बिगुअस कर देती है चीजों को. तो पोएट्री एक ऐसा मीडियम था विच वाज कंसीडर्ड एज इनएडिक्वेट फॉर सच अ टास्क एंड हेंस देयर वाज रैपिड डेवलपमेंट ऑफ प्रोज, क्योंकि प्रोज बिल्कुल सूट कर रही थी इस मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए जो न्यू एनवायरनमेंट, न्यू पॉलिटिकल और सोशल एनवायरनमेंट एक जनरेट हो चुका था, जहां बहुत ज्यादा पंफलेट जर्नल्स मैगजीन राइटिंग और इवन रिसर्च पेपर आना शुरू हो चुके थे. रॉयल सोसाइटी आपको पता बन गई थी और साइंस में भी एडवांसमेंट हो रही थी. तो प्रोज वाज द थॉट एज द बेस्ट मीडियम टू प्रोपोगेट, टू स्प्रेड देयर आइडियाज. और नाउ अब पब्लिक जो है वो पढ़ना भी जानती थी और फीमेल भी घर में अब एजुकेशन लेना शुरू हो चुकी थी, वो भी एक अच्छी मार्केट बन चुकी थी राइटर्स के लिए. सो इनफैक्ट द प्रोज राइटर ऑफ दिस एज एक्सेल द पोएट्स इन एवरी रिस्पेक्ट. ठीक है, इस एज में जो प्रोज राइटर है डोमिनेट करते नजर आते हैं. ये नहीं कि पोएट्री खत्म हो गई थी, पोएट्री बिल्कुल थी, ड्रामा भी था, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं कि डोमिनेट जॉनरा कौन सा था, तो वो हम सेफली कह सकते हैं कि प्रोज डोमिनेट कर गई थी. क्योंकि प्रोज में रीजन की बात बताना आसान होती है. आगे भी हम देखेंगे कुछ और खसूसियात भी हैं जो प्रोज में हमें वो नजर आएंगी.
the graceful and the elegant prose of the Addison's essay, the terse style of the Swift satires. तो एडिसन की जो प्रोज है एलिगेंट प्रोज और स्विफ्ट का जो स्टाइल है द आर्टिस्टिक परफेक्शन ऑफ द फील्डिंग्स नॉवल नॉवल भी जो कि प्रोज जॉनर में कंसीडर किया जाता है द सोनोरस एलोक्वेंट ऑफ द गिबन्स हिस्ट्री तो बड़े बड़े हमारे पास ये आथर आते हैं इस पूरी एज के अंदर जो प्रोज में लिख रहे थे एडिसन के ऐसे थे और स्विफ्ट का सटायर था फील्डिंग्स के नॉवल थे गिबन की हिस्ट्री है एंड द ओरेटोरियल स्टाइल ऑफ द बर्क और बर्क के जो स्पीचेस हैं पॉलिटिशियन था ये have no equal in the poetical works of the age. तो इनका मुकाबला कह रहे हैं कि कोई नहीं था स्विफ्ट के सटायर हो गिबन की हिस्ट्री हो और बर्क के जो ओरेटरी है और फील्डिंग्स के नॉवल एडिसन के एसेज सो इन फैक्ट पोइट्री ऑल्सो हैड बिकम प्रोज और अगर टेक्निकली देखा जाए तो कुछ राइटर के मुताबिक जो पोइट्री है इवन जो पोप की पोइट्री है वो भी प्रोजिक है क्योंकि वो भी सोशल सटायर करता नजर आता है पोइट्री के अंदर भी वो सारी टेक्निक यूज करता है जो कि प्रोज राइटर यूज कर रहे हैं ऑल्दो वो लाइनें जरूर मिला रहा है राइमिंग और वर्सिफिकेशन जरूर है लेकिन कुछ क्रिटिक्स के यहाँ वर्सिफिकेशन और राइम्स के मिलाना पोइट्री नहीं होती तो उस मेरिट से देखें तो पोइट्री भी प्रोजिक हो गई बिकॉज इट वॉज नो लॉन्गर यूज फॉर द लॉफ्टी एंड द सबलाइम पर्पसेस But like prose, its subject matter had become criticism, satire, and controversy. जब आपका ये subject matter होगा, तो वो prose एक वर्क ही गिना जाएगा। क्योंकि idea जो है वो sublime नहीं होगा, noble नहीं होगा उसमें passion और emotion और nature और imagination नहीं होगी, और कोई supernatural element नहीं होंगे। तो हम कहेंगे कि ये बिल्कुल criticism है, ये satire है, ये apparent reality को touch किया जा रहा है, social issues को के पर बात की जा रही है, irony use की जा रही है और ये प्रोज की क्वालिटीज हैं सारे and it was also written in the form of the essay which was the common literary form poetry became polished witty and artificial but it lacked fire fine feeling and enthusiasm the poetic glow of the elizabethan age and the moral earnestness of the puritanism ab dono kho di thi is age mein aakar na to ab wo poetic glow tha jo elizabethan age ka khasa tha poetic passion wo और जो सब्लिमिटी थी और ना ही आप जो है मॉरल अर्नेस्टनेस या नोबल आइडियाज को फॉलो करना है जैसे प्योरिटनिज्म में किया गया ये दोनों अब शैटर्ड हो चुके थे डेवलप्ड नाउ इट डेवलप्ड इनटू एन एक्सीलेंट मीडियम जो ऐसे की बात कर रहे हैं प्रोज के कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग क्लियरली एवरी ह्यूमन इंटरेस्ट एंड इमोशन तो हमें एक ऐसे मीडियम की जरूरत थी या उस एज के लोगों को ऐसे मीडियम की जरूरत थी जो एक्सप्रेस कर सके लॉजिकल आर्गुमेंट्स को स्प्रेड कर सके और हर बंदे को वो बात समझ आ सके क्योंकि साइंस या आर्गुमेंट या ऐसे या क्रिटिसिज्म ये चाहता है कि उसे सारे लोग एक ही मतलब लेके समझें उसमें एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए लिहाजा उस फिगर ऑफ स्पीच का अबंडेंट यूज जो है उसे ओपेक कर देगा और उसे एस फ्लूइड मीनिंग दे देगा जैसे पोइट्री के अंदर होते हैं और हर बंदा एक अलग मीनिंग ड्राइव करेगा जिससे वो जो पर्पस है रीजन का वो फ्लॉप हो जाए इसलिए ऐसे या प्रोज को समझा गया कि दैट इज द बेस्ट मीडियम और उसमें खास बात क्या थी अब इस तरह की जो राइटिंग है उसमें था रियलिज्म प्रिसिशन एंड सटायर द टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड रियलिज्म एंड द प्रिसिशन वर कैरीड टू द फर्दर परफेक्शन ड्यूरिंग द थ्रू आउट द 18th सेंचुरी स्टार्ट किए थे रेस्टोरेशन पीरियड में ड्राइडन ने या उस टाइम के एनवायरमेंट में scientific writers ne they are found in their excellent form in the poetry of the pope who perfected the heroic couplet and the prose of the addison who developed into it a clear precise and elegant form of expression the third characteristics of the age was the development of the satire and realism ban gaya ke realistic portrayal karna hai life ka as it is aur precise ways mein kam se kam alfaz mein zyada se zyada meaning dene ki koshish ki jaye aur clear cut hona chahiye cheezon ko सीधा सीधा में माइंड को रीजन को एड्रेस करना है हार्ट को नहीं सो एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें के अंदर डेवलप होती है सटायर एज द फॉर्म ऑफ लिटरेचर जैसे थोड़ा पहले भी हमने मेंशन किया विच रिजल्टेड फ्रॉम द अनफॉर्चुनेट यूनियन ऑफ द पॉलिटिक्स विद लिटरेचर ठीक है पॉलिटिकल लिटरेचर अब हो चुका था सटायर का पर्पज ही ये है कि माशरे में होने वाली जो खराबियां हैं उनको हाईलाइट किया जाए ताकि वो करेक्ट हो सके और मोस्टली जो प्रॉब्लम होते हैं वो पॉलिटिकल
होते हैं, उनका पॉलिटिक्स के साथ गहरा ताल्लुक होता है. सो द विंग्स, द विग्स एंड द टोरीज, ये दो पार्टीज हैं, द विंग्स एंड द टोरीज, मेंबर्स ऑफ द टू इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज विच वर कॉन्स्टेंटली contending to the control of the government of this country, used and rewarded the writers for satirizing their enemies and undermining their reputation. तो अक्सर ये support करती थी उन writers को, जैसे political parties यहाँ भी support करती हैं. Tories और Whigs की party हैं, वो एक दूसरे की दुश्मन party थी, और इसलिए ऐसे authors को reward किया जाता था, दूसरों को criticize करे, उनको undermine करे और इनकी रेपुटेशन को बेहतर करे, उनकी रेपुटेशन को खराब करे. मोर एज ए सटायर इज कंसर्न्ड मेनली विद फाइंडिंग फॉल्ट विद द अपोनेंट्स एंड इज डिस्ट्रक्टिव इन इट्स इंटेंशन. आम ये आम क्वालिटी है सटायर की कि ये होता ही ऐसा है, डिस्ट्रक्टिव होता है, थोड़ा कोरेसिव होता है, थोड़ा तल्ख होता है, और अपोनेंट को नीचा दिखाने के लिए अक्सर यूज किया भी जा सकता है और किया जाता रहा है. इट कैन नॉट रीच द ग्रेट लिटरेरी हाइट्स, दस द लिटरेचर ऑफ द एज विच इज मेनली स्टेरिकल कैन नॉट बी फेवरेबली कंपेयर्ड विद द ग्रेट लिटरेचर. वन फील्स दैट दीज राइटर्स कुड हैव डन बेटर इफ दे हैड केप्ट देमसेल्फ क्लियर ऑफ द टॉपिकल कंट्रोवर्सीज एंड हैड डिवोटेड देयर एनर्जीज टू द मैटर्स ऑफ द यूनिवर्सल इम्पोर्ट. तो एक क्रिटिसिज्म ये उन पर किया जा सकता है कि वो अगर इन चीजों से हटकर अपनी सारी स्किल्स जो हैं यूनिवर्सल मैटर्स को देते, फिलोसफिकल आइडियाज को देते, या ह्यूमन कंडीशन को देते ओवरऑल, और छोटे और माइन्यूट प्रॉब्लम में ना पड़ते एक दूसरे को, और सटायर का बेतहाशा इस तरह नेगेटिव यूज ना करते, तो शायद इससे भी बड़े आथर ये बड़ा काम कर सकते थे. ये एक क्रिटिसिज्म है, मे बी इसको डिफेंड भी किया जा सकता है कि उन्होंने अगर राइटिंग को पोलिटिकल किया है तो आर्ट फॉर सोसाइटी से एक वाला का नजरिया भी मौजूद है. तो एक और नई बात जिसके अंदर हुई थी वो था ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द नॉवल. एक न्यू जॉनरा डेवलप हुआ इसके अंदर. अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस एज वाज द ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द नॉवल. दिस न्यू लिटरेरी फॉर्म विच गेन्ड ग्रेट पॉपुलैरिटी इन द सक्सीडिंग एजेस एंड विच एट प्रेजेंट होल्ड्स द प्रोमिनेंट प्लेस वाज फेड एंड नरिश्ड बाय द ग्रेट मास्टर्स लाइक डेनियल डिफो, रिचर्डसन, फील्डिंग, स्मॉलेट एंड अदर्स हु लेड इट्स सिक्योर फाउंडेशन. तो ये फाउंडेशनल ऑथर्स हैं, डेनियल डिफो, रिचर्डसन, फील्डिंग, स्मॉलेट वगैरह. सो द रियलिज्म द एज एंड द डेवलपमेंट ऑफ एन एक्सीलेंट प्रोज स्टाइल ग्रेटली हेल्प्ड इन द एवोल्यूशन ऑफ द नॉवल ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी. और एवोल्यूशन इस वजह से भी हुआ क्योंकि रियलिज्म आ गया था प्रोज में. बात आगे बतानी थी तो प्रोज और रियलिज्म के जोड़ से एक न्यू स्टोरी फॉर्म आई कि बिल्कुल जो आपका एक्सपीरियंसेस हैं आथर उनको फील करे, उनको देखे, महसूस करे और फिर एक लिटरेरी वे में लोगों तक पहुंचा दे. द 18th सेंचुरी वाज एफिशिएंट इन ड्रामा, सॉरी डेफिशिएंट इन ड्रामा बिकॉज द ओल्ड प्यूरिटेनिकल प्रेजुडिस अगेंस्ट द थिएटर कंटिन्यूड. वो जो एक काफी साल जो है वो प्योरिटेरियंस की सोच हैवी रही थी सोसाइटी के ऊपर, तो अभी तक कहीं ना कहीं वो प्रेजुडिस चल रहा था, नेगेटिविटी रिगार्डिंग ड्रामा चल रही थी. और थिएटर बंद भी हुए बीच में, बाद में जब रेस्टोरेशन में वापस आता है तो इतनी ज्यादा उसको पैटर्नेज भी नहीं मिलती, इतनी ज्यादा उसको एप्रिसिएशन भी नहीं मिलती. एक आध राइटर के अलावा या एक दो राइटर के अलावा हमें कोई प्रोमिनेंट राइटर नहीं मिलते, और उस क्लास के तो शेक्सपियर, मार्लो या बेन जॉनसन के लेवल के राइटर तो बिल्कुल भी नहीं थे. सो गोल्डस्मिथ एंड द श्राइडन वर द ओनली राइटर्स हु प्रोड्यूस प्लेज हैविंग लिटरेरी मेरिट. कुछ लिटरेरी मेरिट अगर किसी ने प्रोड्यूस किया इस एज के अंदर तो एज फार एज ड्रामा इज कंसर्न तो वो था गोल्डस्मिथ और श्राइडर. तो ये जनरल एक इंट्रोडक्शन था, एक बैकग्राउंड था. इसको अभी हम देखते हैं रिवर्स में कि हमने क्या पढ़ा है. लास्ट में बिल्कुल ओरिजिन और डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा की भी हमने बात की है, गोल्डस्मिथ और श्राइडर एज ए ड्रामेटिस्ट की बात की, और ओरिजिन ऑफ नॉवल की बात की है, और बड़े बड़े नॉवलिस्ट जिन्होंने फाउंडेशन रखी है, डिफो, रिचर्डसन, फील्डिंग और स्मॉलेट के बारे में हमने भी पढ़ा है. और हमने देखा कि रियलिज्म, प्रिसिशन और स्टाइल जो है ये सेंट्रल हैसियत इख्तियार कर जाते हैं, और इनका पॉलिटिक्स के साथ भी ताल्लुक है. और उससे पीछे हमने देखा कि जो पोएट्री है वो खुद भी प्रोजेक हो चुकी है, और प्रोज जो है वो डोमिनेट हो चुका है. और इस एज की जो खास बात है वो है कि इसमें जो सटायर है और ऐसे जो है वो डेवलप होता है, नॉवल भी डेवलप होता है, हिस्ट्री पर भी बुक्स लिखी जाती हैं, स्पीचेस भी आती हैं, और मोस्टली जब ओवरऑल फॉर्म और जॉनरा देखते हैं वो है प्रोज फॉर्म. उसके अलावा लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स सेपरेट भी हमने देखी
किस तरह एजुकेशन बढ़ रही थी, प्रिंटिंग प्रेस की वजह से लोगों के पास बुक्स आ गए थे, इसे एज ऑफ रीजन और एज ऑफ गुड सेंस भी कहते हैं, इसके ऊपर भी हमने बात किया कि क्यों ये एज ऑफ रीजन है, किस तरह साइंटिफिक पॉलिटिकल और फिलोसफिकल जो है वो डिबेट स्टार्ट हो चुकी थी, डिस्कवरीज हो रही थी, नई नई बुक्स लिखी जा रही थी। और फिर हमने समझा उससे पहले कि स्यूडो क्लासिज्म इनको क्यों कहेंगे, कुछ क्रिटिक्स भी इख्तलाफ करते हैं ये इतने क्लासिक्स नहीं है, तो वो एटलीस्ट इनको एक फॉल्स क्लासिक जरूर मानते हैं। तो प्रिंसिपल्स क्या है क्लासिज्म के, ग्रीक और रोम, और किस तरह ये फॉलो करते हैं, तो उन प्रिंसिपल्स को जिस पर ये बेस करके कहते हैं कि हम या क्रिटिक्स इनको कहते हैं कि ये क्लासिकल ऑथर्स हैं। तो उससे पहले हमने अबेंडेंस को भी देखा कि जिस एज में सबसे ज्यादा वर्क किया जाए, बहुत ज्यादा राइटर हों और बहुत सा काम कर रहे हों, तो उस एज को भी क्लासिकल एज कहते हैं। और हाई रैंक का अगर वर्क किया जा रहा, जैसे होमर और वर्जिल वगैरह ने किया था, तो ये इस एज के लोग भी समझते हैं कि हमने हाई मेरिट का वर्क किया है। और अगस्टन एज भी इनको कहते हैं। तो स्टार्ट ही हमारी डिबेट अगस्टन से हुई थी, और इस एज को हम तीन एज में डिवाइड करते हैं, एज ऑफ ड्राइडन, एज ऑफ पोप एंड डॉक्टर जॉनसन। और अगस्टस कौन था, यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, और इसका इसके साथ क्या ताल्लुक है। आई होप कि आपको ये बैकग्राउंड जो है वो समझ आ गया होगा। हियर आई स्टॉप दिस लेक्चर।